हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य डिफेंस करियर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो पर यह डिस्कस करूंगा कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स की सिलेबस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है और किस टॉपिक से कितना मार्क आता है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस टॉपिक से ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर यही डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, अभी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले इंडियन एयरफोर्स की ग्रुप एक्स है कि सिलेबस में थ्री ही मेन सेक्शन होता है, एक होता है इंग्लिश, एक होता है मैथमेटिक्स और एक होता है फिजिक्स। दोस्तों, जो इंग्लिश टॉपिक होता है वो आसान होता है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स ही थोड़ा सा लेंदी आता है दोस्तों, थोड़ा सा हार्ड हम कह सकते हैं, लेकिन आप वो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप वो आसानी से इंग्लिश से आप 20 से 17 या फिर 15 ले आ पाएंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं इंग्लिश की कौन सा चैप्टर से ज़्यादा मार्क आता है। दोस्तों, तो दोस्तों जो टोटल मार्क आता है इंग्लिश में 20 मार्क्स आता है और फिजिक्स में 25 मार्क्स आता है और मैथमेटिक्स से 25 मार्क आता है। दोस्तों, टोटल मार्क होता है 17 दोस्तों, और आपको 61 आपको टाइम मिलता है उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अभी इंग्लिश का। दोस्तों देखिए, जो कंपेरिजन होता है वो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। दोस्तों, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, यहाँ से आपको लगभग 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। दोस्तों, एक पैसेज आता है, आप पैसेज को पढ़कर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको 5 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर बात करूँ वोकैबुलरी भी वो अच्छा आता है दोस्तों। उसके बाद बात करूँ जो ग्रामर भी आपका सही होना चाहिए पहले इंग्लिश में। स्पेलिंग टेस्ट भी एक आता है 1 मार्क्स, और एंटोनियम भी एक आता है और सिनोनियम एक आता है। एंटोनियम 1 मार्क्स, सिनोनियम 1 मार्क्स आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो एक आता है। कंजंक्शन एक क्वेश्चन आता है। प्रोनाउन से भी एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, और आइडियम्स फेज से भी एक से कुछ एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, और कॉमन एरर भी एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आता है दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है दोस्तों, आप अच्छे से प्रिपेयर कर रही है तो 4 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करूँ कि तो जो सेंटेंस आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको इंटरचेंज करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ से भी 2 मार्क्स आ जाता है दोस्तों। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। आप यहाँ से 2 से 3 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं दोस्तों प्रीपोजिशन। और आर्टिकल से 1 मार्क्स आता है दोस्तों। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं आता है दोस्तों। आप 15 से लेकर 17 के बीच आप इजीली आप गेन कर सकते हैं दोस्तों। आपको फाइनल मेरिट में आना है तो पहले आपको इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करो फिजिक्स के तो फिजिक्स जो होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, काफ़ी सारे टॉपिक आता जाता है 10+2 लेवल का, जो पूरी तरह से फिजिक्स यहाँ पर है दोस्तों। तो पहले जो बात करूँ फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है दोस्तों यूनो डायमेंशन का, और काइनेमेटिक्स से एक न्यूमेरिकल आता है दोस्तों। लॉ ऑफ मोशन से कभी कभी थ्योरिकल आ जाता है, कभी कभी न्यूमेरिकल दोस्तों आ जाता है। वर्क एनर्जी पावर से न्यूमेरिकल एक 100%। यहाँ पर बात करूँ ग्रेविटेशन की तो ग्रेविटेशन से थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, ये एक अच्छा चैप्टर है दोस्तों। अगर बात करूँ बल्क मैटर से भी आ जाता है। थर्मोडायनामिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी न्यूमेरिकल आता है और कभी कभी थियोरेटिकल आ जाता है। ऑसिलेशन वेव यहाँ पूरी तरह से थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पर कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थियोरेटिकल कभी और न्यूमेरिकल कभी आ जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल आ जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट थियोरी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट से ये 2 मार्क आप गेन कर सकते हैं दोस्तों।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑप्टिक्स से आप 3 से 4 क्वेश्चन आएगा दोस्तों, और ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट वैसे होगा दोस्तों। आप अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ से आप मार्क इजीली गेन कर सकते हैं। और ड्यूअल नेचर मैटर, एटॉमिक न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम, यह भी थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो 25 क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, 17 से लेकर 20 क्वेश्चन थियोरिटिकल आता है, और बचा हुआ 5 से 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है दोस्तों। तो आपको पहले थियोरिटिकल जो चैप्टर होता है, आपको पहले उस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल को जा सकते हैं दोस्तों। ये थी पूरी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन फिजिक्स। इसके बाद अगर हम बात करूँ जो मैथमेटिक्स होता है, आप मैथमेटिक्स में आप अच्छी से प्रैक्टिस करके आप अच्छी स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। आप इजीली 15 मिनिमम 15 तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों आउट ऑफ 25 से। ये देखिए दोस्तों, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन से डेफिनेट है क्वेश्चन आता है, कभी कभी दो आता है, और त्रिकोणमितिक फंक्शन से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। इनवर्स त्रिकोणमितिक से 1 क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से 100% श्योर है 1 क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस से भी 1 क्वेश्चन श्योर है, सीक्वेंस सीरीज से भी 1 क्वेश्चन 100% आ जाता है दोस्तों। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 2 क्वेश्चन आता है, बाइनोमियल थ्योरम से 1 क्वेश्चन आ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, और लॉगरिथम से 1 क्वेश्चन 100% श्योर है, और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से कभी 1 क्वेश्चन आता है या फिर नहीं, आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो। और लिमिट कंटिन्यूस से 100% 1 क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएशन से भी 1 क्वेश्चन आ जाता है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव को आप स्किप कर सकते हो, और इंडेफिनाइट और डेफिनाइट इंटीग्रल से 2 क्वेश्चन 100% आता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी पूरी सिलेबस में डिस्कस किया इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स के सिलेबस। आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आपको पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों। अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे अभी। आप मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं बताया, आप उस टॉपिक को पहले कंप्लीट कर दो, उसके बाद अगर टाइम बचा तो आप नेक्स्ट टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। मैक्सिमम 50 डेज ही बचा है अभी, और आपका जो एग्ज़ाम होगा नवंबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा दोस्तों। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, ऑफलाइन या फिर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी आपका जो एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन होता है, इसलिए आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाइए तो बेहतर होगा दोस्तों। इस वीडियो पर इतना ही, आई होप वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह से नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं खुद ही जनरल साइंस और जीके की प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।